रमेश गुरुदेव पेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग, जो कि लिया गया एक्सरसाइज 3.4 से। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि मीना 2000 रुपये निकलवाने के लिए एक बैंक गई। उसने खजानची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो ये है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes ओनली। मीना गॉट 25 notes इन ऑल। फाइंड द हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 शी रिसीव्ड। तो हम ये मानते हैं कि उसने 50 रुपये के जो नोट मिले हैं उसको, वो हैं x, और y जो दूसरे 100 रुपये के नोट मिले उनकी संख्या है, ये वो है y, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज़ x एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज़ y। तो वो कह रहा है कि कुल नोट 25 थे, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर 25, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 25, यानी कि x जमा y 25 के बराबर है। अब वो ये और कह रहा है कि उसे कुल 2000 रुपये मिले, तो x रुपए के नोट x नोट थे 50 रुपए के, तो 50x होगी उनकी कीमत, और 100 रुपए के y नोट थे तो उनकी कीमत होगी 100y। दोनों को मिला के टोटल हो गए 2000, यानी कि 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इसको 50 से भाग करेंगे तो x जमा 2y बराबर 40 हो गया। ये हमारी समीकरण 2 बन गई। तो पहली वाली समीकरण x जमा y बराबर 25 को इसमें से घटा देंगे, तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2y में से y गए y, और 40 में 25 है 15, यानी कि हमारे पास जो y आया, यानी कि 100 रुपये के नोटों की संख्या, वो आ गई 15। तो अब y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख देंगे, क्योंकि वो सबसे सिंपल है, सबसे सरल आसान है। तो उसमें y जो है हमने 15 रखेंगे, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू होगी x बराबर है 25 माइनस 15 यानी कि 10, यानी कि 50 रुपए के उसको 10 नोट मिले। अब वो जो है इसकी आंसर हमारा क्या होगा कि 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है वो हो गई आपकी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या है 15, यानी कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स आर 10 एंड 100 रुपीज़ नोट्स आर 15। तो अब इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो देखिए आप तो एक तो देख रहे हैं कि 10 और 15 जो है वो 25 के बराबर है, तो नोटों की संख्या तो 25 हो गई। दूसरा ये है कि 10 रुपये, 10 नोट 500 के हैं, तो 50 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 500 आएगा, यानी कि 500 रुपये तो 50-50 के नोटों की शक्ल में मिले, और 100 रुपये के नोट 15 मिले, तो ये हो गए 1500, यानी कि 1500। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2000, तो ये शर्त पूरी हो गई, और नोटों की संख्या 25 आई, तो इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी होती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल दमेश गुरुदेव को सब्सक्राइब करें।